सो जय हिंद, मैं उत्कर्ष शुक्ला स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे YouTube चैनल ट्यूटोरियल अंडरस्कोर पियानो वन में। तो चलिए आज हम लोग नया सीख लेते हैं दिल बर सॉन्ग, जो सत्यमेव जयते पिक्चर से बहुत ही बढ़िया सॉन्ग है। बिल्कुल भी मतलब कोई भी काट नहीं सकता, इतना बढ़िया सॉन्ग है। म्यूज़िक बहुत बढ़िया दिया है, सिंगर्स लोग ने भी बहुत बढ़िया गाया है, और साथ में नौरा का डांस तो हम लोग मतलब पूरा चार चांद लगा देता है पूरे सॉन्ग में। तो चलिए हम लोग बजा के प्ले कर देते हैं, बहुत ही ईजी है, ज़्यादा टाइम लगे नहीं लगेगा। तो चलिए हम लोग टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। सो चलिए पहले म्यूज़िक पार्ट है, हम लोग म्यूज़िक पार्ट पहले बजा लेते हैं। हमको ये 3 बार बजाना है, कैसे? कैसे? ए ए डी 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 सी बी सी बी ए। ये 3 बार बजा लिया। फिर इसके बाद से हमारा सॉन्ग का लाइन स्टार्ट होता है, चढ़ा जो मुझ पे सुरूर है, असर तेरा ये ज़रूर है, तेरी नज़र का कसूर है दिलबर। तो चलिए ये भी बजा के प्ले कर लेते हैं। पहला लाइन है चढ़ा जो मुझ पे सुरूर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो भी वैसे ही बजा है जैसे हमारा फर्स्ट म्यूज़िक पार्ट बजा है, वैसे ही ये भी बजा है। समझ गए होंगे आप लोग, वैसे ही बजा है और ये 3 लाइन वैसे ही बजने वाली है। उसके बाद का नेक्स्ट लाइन है असर तेरा ये ज़रूर है, ये भी वैसे ही बजा है, कैसे? उसका नेक्स्ट लाइन है फिर इसके बाद तेरी नज़र का कसूर है, कैसे? ये भी वैसे ही बजा है। चलिए फिर इसके बाद क्या है दिल बर, जो मेन टाइटल बोल सकते हैं आप लोग, दिल बर ही सॉन्ग का नाम भी है। तो चलिए हम लोग ये भी बजा के प्ले कर लेते हैं। अब हम तीनों साथ में बजाएंगे तीनों लाइन। चलिए चढ़ा जो मुझ पे सुरूर है, असर तेरा ये ज़रूर है, तेरी नज़र का कसूर है दिल बर, हम साथ में प्ले करने वाले हैं। कैसे? दिल बर इसमें हमने ऐड किया है जी ए जी ए। हमारा पूरा सॉन्ग मिडिल ऑक्टेव से बज रहा है, तो सब आप लोग भी यही कोशिश कीजिएगा कि मिडिल ऑक्टेव से बजाइए। इसके बाद है नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा नेक्स्ट स्टंजा, उसमें है लाइन, फर्स्ट लाइन है आप आसा तू क्यों दूर है, फिर उसके बाद ये इश्क का जो फितूर है, नशे में दिल तेरे चूर है दिल बर। तो हम लोग पहला लाइन बजा लेते हैं, वो भी वैसा ही बजा है जैसा ये हमारा पार्ट बजा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वैसे ही बजा है ये स्टेंजा में भी। तो चलिए मतलब आप सब समझ ही गए होंगे, इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, 2 स्टेंजा में, 3rd स्टेंजा थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो मैं सिखा दूँगा। कैसे? आप आसा तू क्यों दूर है, फिर उसके बाद ये इश्क का जो फितूर है, फिर उसके बाद नशे में दिल तेरे चूर है, उसके बाद दिल बर। सेम वैसे ही बजाए जैसे हमारा फर्स्ट स्टैंजा बजा है। तो चलिए अब हम लोग इसको एक साथ प्ले कर लेते हैं। जान गए होंगे आप सब। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ जाते हैं। अब तो होश ना खबर है ये कैसा असर है तुमसे मिलने के बाद दिलबर, फिर उसके बाद आएगा दिलबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब तो होश ना खबर है मैं बजाने जा रहा हूँ, कैसे? समझ गए होंगे आप लोग, अब तो होश ना खबर
फिर उसके बाद ये कैसा असर है, ये भी वैसे ही बजाया है, बस में हमको कैसे करना है। उसके बाद तुमसे मिलने के बाद दिलबर, समझ गए होंगे आप लोग, ये भी कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, हमको जी से लेके जाना। चलिए वापस एक बार देख लेते हैं। समझ गए होंगे आप लोग, इसका नेक्स्ट लाइन है, इसके बाद तुमसे मिलने के बाद दिलबर, ये हमने बजाया भी, उसके बाद दिलबर दिलबर कैसे। कैसे इसमें वैसा दिलबर दिलबर नहीं बजाया है, इसमें मतलब थोड़ा अलग तरीका यूज़ किया गया है, ऐसे फिर एक बार साथ में बजा लेते हैं पूरा स्टेंजा। अब तो होश ना खबर है ये कैसा असर है, हम पूरा बजा के देख लेते हैं। अब इसके बाद का लाइन है, तुम तू मेरा ख्वाब है, तू मेरे दिल का करार, तो चलिए ये भी बजा के देख लेते हैं हम लोग। इजी है, चलिए कैसे मैं बता देता, उसके बाद हमारा नेक्स्ट लाइन है, देख ले जाने मन देख ले बस एक बार, वो भी ऐसे ही बजेगा। इसमें बस हम लोग थोड़ा खींच के आगे तक लेके आए हैं। उसके बाद का लाइन है वैसे ही है, चैन खो गया है कुछ तो हो गया है तुमसे मिलने के बाद दिलबर, ये वैसे ही बजा है। तो चलिए एक बार हम लोग पूरा स्टैंजा बजा लेते हैं, अगर आपको कुछ भी ना समझ में आया तो आप कमेंट सेशन में हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग वीडियो को शॉर्ट करने के लिए थोड़ा जल्दी जल्दी समझा लेते हैं। तो चलिए एक बार मैं पूरा बजा देता हूँ ये गाना, कैसे, अब तो होश ना खबर से मैं पूरा एक बार बजा देता हूँ। उसके बाद तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, तो चलिए।